नए बस स्टैंड पर भारतीय जैन मिलन के तत्वाधान में स्वर्गीय गुलाबचंद जैन की स्मृति में उनके पुत्र कपूरचंद, संतोष कुमार, आशीष कुमार जैन, सदभैया परिवार के सहयोग से निशुल्क जल सेवा का शुभारंभ किया गया। भारतीय जैन मिलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक निशंक जैन, कार्यक्रम के अध्यक्ष नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा मधुलिका अग्रवाल, विशेष अतिथि के रूप में जनपद पंचायत अध्यक्षा अंजलि मनोज यादव, वरिष्ठ समाज सेवी कांति भाई शाह, जैन समाज के संरक्षक प्रभुदयाल, जैन वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर विमल ओसवाल थे। कार्यक्रम के सभी वक्ताओं ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए जल ही जीवन है एवं जल को व्यर्थ न गंवाएं, जल की एक एक बूंद बचा कर रखें, इन तथ्यों पर अपने उद्बोधन में पानी बचाने एवं आने वाले समय में पानी के संकट से बचने के लिए उद्बोधन किया। सदस्य हैं और पांच सात ही हमारे प्रिय हो, इसने जनो परम आदरणीय हो, इस तरह यदि हम लगाते हैं तो कम से कम हम 12 वृक्ष एक साल में लगा सकते हैं। तो हम ही नहीं, हमारे आसपास की और उन भाई बंधुओं के लिए भी पानी की और हवा की बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है। जो आज हम देख रहे हैं कि अनेकों अनेक बीमारियां हमारे सामने। आज जैन मिलन द्वारा निःशुल्क जल सेवा का शुभारम्भ हुआ है, इसके बारे में आप बताएं। जैन मिलन द्वारा यहाँ 11 वर्षों से इस प्याऊ का संचालन किया जाता है। यह प्याऊ वर्ष भर बस स्टैंड क्षेत्र पर लोगों को जल उपलब्ध कराती है। आज के दिन उसका एक वर्ष के लिए पुनः शुभारंभ हुआ है। जैन समाज द्वारा यह सेवा कार्य बहुत लंबे समय से किया जाता है। यहाँ पानी पिलाने के लिए नलों नहीं, गर्मी के समय में व्यक्ति रख के भी बच्चों को, महिलाओं को बसों तक पानी पहुँचाया जाता है। जैन समाज इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, इलाज के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में अनेकों कार्य कर रही है। मेरा गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। गणगौर पर्व पर निमार क्षेत्र के वासियों की गुड़ चना तोड़ की परंपरा निसरपुर में बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। परंपरा के अनुरूप अनेक युवक चैक में लगे खंबे पर चढ़ते और गुड़ की बंधी पोटली को तोड़ने का प्रयास करते। इसी प्रयास में परंपरा के अनुसार महिलाओं द्वारा युवकों को पीटने की भी परंपरा है। यह परंपरा में महिलाओं ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। निमाड़ वासियों की गौरवमयी परंपरा जो गणगौर पर्व पर निभाई जाती है, उसके दायित्व का निर्वहन इस वर्ष भी किया गया। निसरपुर के पाटीदार चौक में बीचों बीच एक खंभा गाड़ा गया और उस खंभे पर गुड़ चने की पोटली बांधी गई। परंपरा अनुसार युवकगण खंभे पर व रस्सी व अन्य साधनों के सहारे चढ़ते हैं। इस दौरान बीच बीच में महिला अकाव की सोटी से युवकों की पिटाई भी करती है। जो युवक चढ़ते चढ़ते गिर जाते हैं, उसके बाद दूसरा युवक उस पोटली को तोड़ने के लिए चढ़ता है। इसी दौरान महिलाएं पुनः युवक की पिटाई करती है। पिटाई होने के बाद भी अगर युवक चढ़ने में सफल हो जाता है और गुड़ चने की पोटली को तोड़ देता है तो वह युवक साहसी युवक के रूप में परंपरा को निभाने वाला गाँव का चहेता युवक बन जाता है। इसी परंपरा का निर्वाह करने हेतु निसरपुर में गणगौर पर्व पर गुड़ तोड़ने का आयोजन हुआ। यह परंपरा पाटीदार समाज की गुड़ तोड़ने की वर्षों पुरानी परंपरा से जुड़ी हुई है। इस खेल को देखने के लिए नगर के साथ साथ नजदीकी गांव से भी हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। विशेषकर महिलाओं की भागीदारी भी इसमें रहती है। गणगौर पर्व के दौरान पूजा पाठ के दिन इस खेल का आयोजन किया जाता है। इस दौरान एक दो युवक महिलाओं की मार खाते रहे और खंभे पर चढ़ते चढ़ते गिर गए। फिर अन्य युवकों ने पुनः खंभे पर चढ़ने का प्रयास किया और महिलाओं द्वारा सोटी से मार खाने के बाद भी 15 से 20 फीट ऊंचे खंभे के शीर्ष पर बंधी गुड़ चने की पोटली को उतारने में सफलता पाई। इस तरह 11 बार खंभे पर पोटली चढ़ाई गई और 11 बार युवकों द्वारा पोटली उतारी गई। कुक्षी से प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट। बालाघाट जिले में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा की संस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए बेहर में पिछले 3 वर्षों से बेगा ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। चौथे बेगा ओलंपिक का आयोजन आगामी 6 से 8 अप्रैल 2018 तक क्रीड़ा परिसर बेहर के मैदान में किया जाना है। आयोजन में बालाघाट जिले के साथ ही प्रदेश व अन्य राज्यों के बेगा जनजाति के युवाओं को आमंत्रित करने मशाल रथ को आज 21 मार्च 2018 को कलेक्ट्रेट कार्यालय से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मशाल रथ को जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी मंजुषा विक्रांत राय ने झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस दौरान सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सुशांत वर्मा, सहायक संचालक विनय राहंगडाले, एम के पटेल, स्मिता भावसार आदि मौजूद थे। मशाल रथ को रवाना करने से पूर्व जिला पंचायत सीईओ मंजुषा विक्रांत राय के द्वारा मशाल का तिलक वंदन भी किया गया। मशाल रथ को रवाना करने के अवसर पर आदिवासी छात्रावास के छात्र छात्राओं द्वारा बेगा आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। बालाघाट से वीरेन श्रीवास की रिपोर्ट। किरनापुरा थाना अंतर्गत ग्राम मरुकुड़ा के कुएं के पानी को लेकर हुई मारपीट में एक ही परिवार की एक महिला सहित चार लोग घायल हो गए हैं। चारों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में बुधराम, दशरीबाई, जयचंद खरे एवं अनिल खरे को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी अनुसार ग्राम मुरकुड़ा में बुधराम खरे के आंगन में सरकारी कुआं है। इस सरकारी कुएं में मोहल्ले के भंजलाल मानेश्वर ने बोरिंग किया है, जिसका पानी अपने खेत की फसल में सिंचाई करता है। इसी कुएं में बुधराम खरे, सोनीबाई और उदयलाल ने मोटर लगाई है, किंतु बोरिंग के अंदर भंजलाल खरे की मोटर लगी है, जिसके द्वारा लगातार पानी खेत में सिंचाई करने दो कुएं के ऊपर पानी नहीं रहा और बोरिंग से ही भंजलाल पूरा पानी का उपयोग कर लेता है, जिससे बुधराम, उदयलाल, सोनी बाई को पानी नहीं मिलता। इसी बात को लेकर इनका आपस में झगड़ा हो गया। भंजलाल ने अपने बेटे कपिल के साथ बुधराम को लाठी से मारपीट की। वहीं बीच बचाव करने आए बुधराम के बेटे जयचंद, अनिल और पत्नी दशरी बाई को भंजलाल और उसके बेटे कपिल ने हाथ मुक्के लाठी से मारपीट कर घायल कर दिया। बालाघाट से वीरेन श्रीवास की रिपोर्ट।